students, I am Pooja Duran. In today's session, we will discuss some expected MCQs on human resource management and business management. So, as you know, पहले ये दोनों ही subjects जो हैं अलग-अलग unit को बनाते थे, लेकिन अब इन दोनों subjects को एक combined unit में रख दिया गया है। तो अब क्या है, आपको पढ़ना तो उतना ही है, लेकिन अब इनमें से questions जो होंगे वो कम होंगे। That means पहले अगर 10 questions पूछे जाते थे, तो अब 5 to 6 questions ही पूछे जाएंगे, because there are total 10 units. So, इसीलिए मैं ये MCQs आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग जो डेली बेसिस पर जो भी कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आप उनका रेटिफिकेशन ना करें, बल्कि आप साथ के साथ उन पर अपनी कमांड भी बनाएं। और किसी भी सब्जेक्ट पर कमांड तब बनती है जब आप उसमें डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ MCQs को सॉल्व करते हैं। बट इस सेशन को शुरू करने से पहले चलिए इस सेशन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशंस को डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या है इन MCQs का, टोटल MCQs कितने होंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ MCQs यहाँ पर होंगे 5 एंड मार्क्स जो वेटेज रहेगी यहाँ पर वो रहेगी 10, बिकॉज वी ऑल नो कि जब आप लोग नेट एग्जाम देने जाते हैं तो पर क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा इजी टू मॉडरेट, बिकॉज आई विल ट्राई कि धीरे धीरे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो है वो इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लाए जाए, बिकॉज अगर शुरू में ही मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पुटअप कर दूंगी तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस वहां पर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन आवर सीरीज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एम्प्लॉई यूजुअली रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज से बचना, और यू कैन से अपने आप को किसी चीज से प्रिवेंट करना, वंचित करना। तो कोई भी एम्प्लॉय जो है वो यूजुअली बचना चाहता है। ऑप्शन ए जॉब एनरिचमेंट, ऑप्शन बी जॉब एनलार्जमेंट, ऑप्शन सी जॉब रोटेशन एंड ऑप्शन डी वर्क सिंप्लीफिकेशन। If you know the meaning of all these concepts, then you can solve this question in seconds. If you know the meaning of jobs, enrichment, enlargement, rotation, work simplification, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही easily solve कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ। आंसर है यहाँ पर job enlargement. Option B is the right answer. But how? How option B is the right answer? देखिए, जब आप HRM एंड बिजनेस मैनेजमेंट के कंसेप्ट करें तो वहां पर जॉब से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, लाइक जॉब रोटेशन, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, इन सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज इनमें से मैच द लिस्ट का भी क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है एंड इवन इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब 1 by 1 हर एक ऑप्शन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्या है, एंड रिच के अंदर आप ध्यान से देखिए, रिच वर्ड आया हुआ है। रिच का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को जो एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, आप उनके लिए उनको एक्स्ट्रा सैलरी और इंसेंटिव भी दे रहे हो, आप उनके स्टेटस में भी इंक्रीज कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप उसको रिच बना रहे हो उनकी जॉब के अंदर। बट एनलार्जमेंट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो इंक्रीज कर दी जाती है, बट उन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं दिए जाते। सो एज एन एम्प्लॉय खुद सोच कर देखिए कि जब आपको फालतू का बर्डन दिया जा रहा है बट उस बर्डन के लिए आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या आप उससे रेसिस्ट होने की कोशिश करोगे? डेफिनेटली आप उससे बचने की कोशिश करोगे। सो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर था जॉब एनलार्जमेंट। एंड रोटेशन का मतलब होता है जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब पर आपको रोटेट करना, सो दैट आपको कंपनी के हर एक फंक्शन के अंदर आपको एक्सपर्ट बनाया जा सके। एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि पहले आपको कोई काम 2 से 3 प्रोसेसेस के अंदर करना पड़ता था, लेकिन अब आप एक बेस्ट मेथड की हेल्प से आप उसको एक ही प्रोसेस की हेल्प से वो कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में मुनीम्स होते थे जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे रजिस्टर्स के अंदर, बट अब क्या है, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जिनसे वो अकाउंटिंग का काम बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है। तो ना तो कोई एम्प्लॉई वर्क सिंप्लीफिकेशन से बचने की कोशिश करेगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव से और ना ही जॉब रोटेशन से, बट एक्स्ट्रा बर्डन से डेफिनेटली बचने की कोशिश करेगा। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी। सो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑन एचू अंकल। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितनी ज्यादा आप लोगों को टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन दे सकूं, ताकि इन एमसीक्यूज के साथ ना आप लोग एमसीक्यू सोल्व कर पाए, बल्कि अलग अलग कंसेप्ट्स को भी आप लोग समझ पाए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द मेथड दैट रैंक अ जॉब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड। जब आप एक मेथड यूज करते हैं जिसमें आप डिफरेंट जॉब्स को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स, तो उस मेथड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पॉइंट मैथड, ऑप्शन बी जॉब इवेल्युएशन मैथड, ऑप्शन सी फैक्टर कंपैरिजन मैथड एंड ऑप्शन डी ग्रेडिंग मैथड। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट मींस आवर आंसर इज ऑप्शन थर्ड। सो गाइज, जब आप डिफरेंट जॉब्स को क्लासिफाइड करते हो या आप उनको क्या करते हो, उनको रैंक प्रोवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर, तो उसको कहा जाता है फैक्टर कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर इस बात पर डिसाइड कर सकते हो कि इस जॉब पर कितना कॉम्प्लेक्स काम है, मींस कितना डिफिकल्ट काम है। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे कर सकते हो आप, और इजीनेस के बेस पर कर सकते हो, जॉब की वैल्यू के बेस पर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक सीईओ और वर्कर की जॉब में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? वो होता है वैल्यू डिफरेंस। सीईओ की जॉब ज्यादा वैल्यूएबल है तो उनको सैलरी ज्यादा प्रोवाइड की जाती है, वर्कर की जो जॉब है वो कम वैल्यूएबल है तो उनको सैलरी कम प्रोवाइड की जाती है। और ये आप लोग जॉब इवैल्यूएशन के अंदर भी पढ़ोगे एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर भी, कि जब आप कॉम्पनसेशन डिसाइड करते हो तो वहां पर आप मैन को भी प्राइस करते हो और जॉब को भी प्राइस करते हो। जॉब को प्राइस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जॉब इवैल्यूएशन एंड मैन को प्राइस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो हियर आवर आंसर इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड। थर्ड क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ सिलेक्शन डजंट इंक्लूड। सिलेक्शन की जो टेक्निक है उसमें इन्वॉल्व या इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, ऑप्शन सी ग्रुप डिस्कशन एंड ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन मैथड। सो जिस भी क्वेश्चन के अंदर चारों ऑप्शन में से मुझे लगेगा कि ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक्सप्लेन करना बनता है, तो आई विल ट्राई कि उसको मैं डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के सामने लेकर आऊं। तो देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन की टेक्निक एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी है एंड ग्रुप डिस्कशन भी है। आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब्स जो होती है, पहले आपसे रिटर्न टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, देन वहां पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक रूम के अंदर बैठाया जाता है, कुछ टॉपिक्स कुछ सिचुएशंस उनको दी जाती है और उनको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर रखने होते हैं, जिसको हम लोग कई बार शॉर्ट फॉर्म में जीडीबी बोल देते हैं। सो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, बट ऑब्जर्वेशन मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ सिलेक्शन। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। देन फिर ऑब्जर्वेशन मेथड किसी कंसेप्ट का तो होगा ना, तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है गाइस, दिस इज द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर ऑब्जर्वेशन मेथड को किस तरह से यूज किया जाता है? एक एम्प्लॉय है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो अपने काम को कितने इफेक्टिवली प्लस एफिशिएंटली कर रहा है, तो उसकी उस परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर डिसाइड किया जाता है वेदर उसको डिमोट करना है, प्रमोट करना है, सैलरी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। एंड हियर गाइस, परफॉर्मेंस अप्रेजल के हमारे 2-3 और मेथड्स आते हैं जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। एक आता है आप लोगों का 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक और एक आप लोगों का आता है बार्स। बार्स के बारे में कई बार आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो लेट मी टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ बार्स, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए और इन एमसीक्यूज को सोल्व कीजिए, ताकि आपकी की अपने टॉपिक पर कमांड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथ गोल थ्योरी इज गिवन बाय, पाथ गोल थ्योरी जो है ये किसने दी है? सबसे पहले तो हम लोग कॉमर्स फील्ड के अंदर मोटिवेशन की थ्योरीज भी पढ़ते हैं, लीडरशिप की थ्योरीज भी पढ़ते हैं एंड इवन ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज भी पढ़ते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कि मोटिवेशन की थ्योरीज कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई थ्योरी बाय मैकग्रेगर, जेड थ्योरी बाय विलियम ओची एंड ऐसे ही लीडरशिप की थ्योरीज है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो थ्योरी है पाथ गोल थ्योरी ये कौन से कंसेप्ट के अंडर आती है। तो पाथ गोल थ्योरी जो है गाइस ये है एक लीडरशिप थ्योरी, ठीक है, ये है एक लीडरशिप थ्योरी। तो लीडरशिप थ्योरी ये किसने दी है? ऑप्शन ए चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन बी रॉबर्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी बोम्स एंड बिटनर। अब ये जो चारों ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए सेट किए ना, ये इसलिए सेट किए ताकि इन चारों ऑप्शन के अंदर आप लोगों को मैं बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशंस बताने वाली हूं। आंसर ना चूज करके पहले हम लोग इन चारों ऑप्शंस को ही डिस्कस करते हैं, तब तक आप लोग सोचिए कि आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें चेस्टर बर्नार्ड की, तो चेस्टर बर्नार्ड ने एक टॉपिक दिया है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें इन्होंने ये कहा है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव को 3 टाइप ऑफ फंक्शंस तो परफॉर्म करने होते ही है। दैट मीन्स पाथ गोल थ्योरी इज नॉट गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड, बट उनके बारे में मैंने आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर बताया। उसके बाद अगर चेस्टर बर्नार्ड ने ये टॉपिक नहीं दिया तो हमारा आंसर सी भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर दिया गया है बोथ ए एंड बी। उसके बाद हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं बोम्स एंड बिटनर। अगर आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना शुरू कर दिया है तो वहां पर एक टॉपिक आप लोगों से पूछा गया है, दैट इज सर्विस मार्केटिंग मिक्स। आज तक आप में से कुछ स्टूडेंट ने ओनली प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के बारे में सुना होगा, बट देयर आर सर्विस मार्केटिंग मिक्स ऑल्सो। सो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के अंदर होते हैं टोटल 4 पीस, बट सर्विस मार्केटिंग मिक्स के अंदर आ जाते हैं टोटल 7 पीस। मींस इन 4 पीस के अंदर 3 पीस और प्लस कर दिए जाते हैं। सो क्या आप जानना चाहेंगे? चलिए मैं बताती हूँ। प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और जब आप लोग सर्विस मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो वहां पर 3 पीस और आ जाते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। और इसको 7 फेज मॉडल भी कहा जाता है। ये आने वाले एमसीक्यूज के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, हो सकता है इनमें से मैं कोई क्वेश्चन पुट अप कर दूं। तो ना तो ये पाथ गोल थ्योरी चेस्टर बर्नार्ड ने दी है, ना ही बोम्स एंड बिटनर ने दी है। ये जो थ्योरी गाइज ये दी है रॉबर्ट हाउस ने, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट हाउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों का सिलेक्शन की स्टेप्स अगर आप लोगों को अच्छे से याद है तो सिलेक्शन की जितनी भी टोटल स्टेप्स होती है वहां से ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से सोल्व कर पाए। द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए प्रमोशन, ऑप्शन बी सिलेक्शन, ऑप्शन सी इंडक्शन एंड ऑप्शन डी none of these. So here our answer is option B, selection. ठीक है? So guys, the process of reviewing the application received from applicant is screening. Selection की बहुत सारी steps होती हैं, ठीक है? Selection की बहुत सारी steps होती हैं, बट उन सभी स्टेप्स में से एक स्टेप ऐसी आती है जहां पर आपको जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है आप उनको स्क्रीनिंग करते हो। दैट मीन्स आप ये देखते हो कि आपकी इस जॉब के लिए कौन सा कैंडिडेट सुटेबल है और कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर सुटेबल नहीं है। तो जो सुटेबल नहीं है आप उनको वहां पर क्या कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, और जो कैंडिडेट सुटेबल है आप उनको रख लेते हो। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर है गाइज वो है स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर सिलेक्शन है गाइस, यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये सस्पेंस क्यों रखा, बिकॉज इस एमसीक्यूज के अंदर ना आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते थे कि एप्लीकेशंस को रिव्यू तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर किया जाता है, बट आपको यहाँ पर ये भी बताना है कि सिलेक्शन के अंदर वो कौन सा स्टेप है जिसके अंदर एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है गाइज। तो इस तरह से ये जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होते ना, अगर इनमें आप लोग अपनी कॉमन सेंस का यूज नहीं करोगे ना तो इन दो नंबर को भी आप लोग यहाँ पर गवा दोगे। सो ध्यान से सोल्व करना एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को। यहाँ पर एक ऑप्शन पूछा गया आपसे इंडक्शन, इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगी। इंडक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि इंडक्शन को एज अ रिटेंशन प्रोसेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। मीन्स अगर आपके एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन प्रोसेस के अंदर समझ में आ गया कि आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो वो एम्प्लॉई अपने काम के अंदर कंफ्यूज नहीं होगा और आपकी कंपनी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में छोड़कर नहीं जाएगा। इसीलिए इंडक्शन को कहा गया है रिटेंशन प्लान। रिटेंशन का मतलब होता है अपने एम्प्लॉय को लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना कर रखना। ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज गाइज। आई होप ये एमसीक्यूज आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अब हम लेते हैं इन सभी एमसीक्यूज का कंक्लूजन। सो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो था वो था इजी टू मॉडरेट, दैट मींस यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट नहीं थे, बट अगर इन एमसीक्यूज को भी आप अपनी नॉलेज के साथ, अपनी कॉमन सेंस के साथ यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है ये इजी क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगे। उसके बाद कंसेप्ट जो यहाँ पर हमने यूज किए जॉब से रिलेटेड, हमने कुछ यहाँ पर टर्म्स यूज की लाइक जॉब एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट। उसके बाद हमने सिलेक्शन में से एक क्वेश्चन पुटअप किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात की। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर यूजफुल टिप क्या है गाइस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये मिथ रहता है कि पहले हम लोग सारे सिलेबस को करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, बट ऐसा मत करो गाइस। जिस दिन से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हो उसी दिन से प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दो, बिकॉज एट द एंड आपको एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज ही सोल्व करने हैं, ना कि आपको वो थ्योरी लिख कर आनी है। तो आज की यूजफुल टिप है, आज से अभी से डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आप लोग सोल्व करना शुरू कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ।